फायर सीजन में जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार जारी है। पिछले दो साल के मुकाबले इस वर्ष वन मंडल धर्मशाला में अब तक सबसे अधिक जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। इन घटनाओं में करीब 65 लाख रुपए का नुकसान का आकलन किया गया है। अब तक वन मंडल में 200 से अधिक आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। गौरतलब है कि वन मंडल धर्मशाला के अंतर्गत 72 फॉरेस्ट बीट है, जिनमें से 44 बीट अत्यधिक संवेदनशील है। हालांकि अन्य बीट्स में भी आग की घटनाएं सामने आती है, लेकिन अत्यधिक संवेदनशील बीट्स में ज्यादा घटनाएं सामने आई है। पिछले दो वर्षों की बात करें तो इतनी अधिक संख्या में जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने नहीं आई थी। इस बार जंगलों में आग लगने की अधिक घटनाओं से तापमान में बढ़ोतरी हो गई है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। धर्मशाला वन मंडल में इस साल आगजनी की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। इसका कारण यह है, एक तो तापमान में अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है इस समय, और जंगल के नीचे हमारे जितने भी फॉरेस्ट फ्लोर जो रहता है उसके ऊपर जितने भी पाइन नीडल्स हैं या बाकी मटेरियल है वो पूरी तरह से इस समय ड्राई है। तो इसलिए ये थोड़ी सी भी चूक जो है उसके साथ आगजनी की घटना जो है हो सकती है। हमारे वन मंडल में कुल 72 बीट्स हैं, जिनमें से 44 बीट्स इस समय हमारे पास अत्यधिक संवेदनशील हैं। बाकी बीट्स भी सेंसिटिव हैं, पर उनमें जो खतरा है थोड़ा सा इनसे कम है। ये जो 44 हमारी बीट्स अत्यधिक संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, ये लगभग पांचों रेंजों में पूरे धर्मशाला वन मंडल में फैली हुई हैं। तो इसमें आगजनी की घटनाएं इस सीजन में सामने आ रही हैं। मेरी लोगों से अपील है कि जब आप सड़कों का या वनों के बीच में बनी हुई पगडंडियों का प्रयोग करते हैं उस समय अत्यधिक सावधानी बरतें। कोई भी जलता हुआ बीड़ी, सिगरेट या माचिस की तीली इत्यादि इनमें ना फेंकें। ये वन जो है ये केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं अपितु इनमें बहुत प्रकार के वन्य जीव भी रहते हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं। पक्षियों ने इस समय अंडे दिए होते हैं जिनसे छोटे छोटे चूजे बच्चे निकलते हैं। तो ये बड़ा ही संवेदनशील समय होता है, और इस समय की जो आगजनी की घटना है ये वन्य जीव को बुरी तरह से प्रभावित करती है। धर्मशाला वन मंडल में छोटे बड़े मिला के अभी तक लग तकरीबन हमारे पास 200 के आसपास की घटनाएं जो है वो हो चुकी हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। फायर सीजन में जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार जारी है। पिछले दो साल के मुकाबले इस वर्ष वन मंडल धर्मशाला में अब तक सबसे अधिक जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। इन घटनाओं में करीब 65 लाख रुपए का नुकसान का आकलन किया गया है। अब तक वन मंडल में 200 से अधिक आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। गौरतलब है कि वन मंडल धर्मशाला के अंतर्गत 72 फॉरेस्ट बीट है, जिनमें से 44 बीट अत्यधिक संवेदनशील है। हालांकि अन्य बीट्स में भी आग की घटनाएं सामने आती है, लेकिन अत्यधिक संवेदनशील बीट्स में ज्यादा घटनाएं सामने आई है। पिछले दो वर्षों की बात करें तो इतनी अधिक संख्या में जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने नहीं आई थी। इस बार जंगलों में आग लगने की अधिक घटनाओं से तापमान में बढ़ोतरी हो गई है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। धर्मशाला वन मंडल में इस साल आगजनी की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। इसका कारण यह है, एक तो तापमान में अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है इस समय, और जंगल के नीचे हमारे जितने भी फॉरेस्ट फ्लोर जो रहता है उसके ऊपर जितने भी पाइन नीडल्स हैं या बाकी मटेरियल है वो पूरी तरह से इस समय ड्राई है। तो इसलिए ये थोड़ी सी भी चूक जो है उसके साथ आगजनी की घटना जो है हो सकती है। हमारे वन मंडल में कुल 72 बीट्स हैं, जिनमें से 44 बीट्स इस समय हमारे पास अत्यधिक संवेदनशील हैं। बाकी बीट्स भी सेंसिटिव हैं, पर उनमें जो खतरा है थोड़ा सा इनसे कम है। ये जो 44 हमारी बीट्स अत्यधिक संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, ये लगभग पांचों रेंजों में पूरे धर्मशाला वन मंडल में फैली हुई हैं। तो इसमें आगजनी की घटनाएं इस सीजन में सामने आ रही हैं। मेरी लोगों से अपील है कि जब आप सड़कों का या वनों के बीच में बनी हुई पगडंडियों का प्रयोग करते हैं उस समय अत्यधिक सावधानी बरतें। कोई भी जलता हुआ बीड़ी, सिगरेट या माचिस की तीली इत्यादि इनमें ना फेंकें। ये वन जो है ये केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं अपितु इनमें बहुत प्रकार के वन्य जीव भी रहते हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं। पक्षियों ने इस समय अंडे दिए होते हैं जिनसे छोटे छोटे चूजे बच्चे निकलते हैं। तो ये बड़ा ही संवेदनशील समय होता है, और इस समय की जो आगजनी की घटना है ये वन्य जीव को बुरी तरह से प्रभावित करती है। धर्मशाला वन मंडल में छोटे बड़े मिला के अभी तक लग तकरीबन हमारे पास 200 के आसपास की घटनाएं जो है वो हो चुकी हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट।